मूवी की शुरुआत हेक्टर नाम के एक जादूगर से होती है, जो जहां भी जाता लोग उसके जादू को ना पसंद कर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते थे। लेकिन फिर एक दिन हेक्टर एक एनिमल शॉप पर जादू की कुछ चीजें खरीदने पहुंचता है, जहां शॉपकीपर हेक्टर को बताता है कि यहां कोई भी जादू का सामान नहीं मिलता। जबकि इसी बीच हेक्टर एक गाने की आवाज सुनकर उसी शॉप पर एनिमल्स के गैराज में जाता है और अगले ही पल एक छुटकू मगरमच्छ को गाते हुए देखकर उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। हालांकि छुटकू मगरमच्छ भी हेक्टर को देखकर शर्मा जाता है, लेकिन तभी हेक्टर उस छुटकू मगरमच्छ को अपना दोस्त बनाता है और उसका नाम लायल रखकर उसे वह अपने घर लाता है। हेक्टर को भी गाना से बेइंतहा प्यार था, इसलिए वह लायल को भी अपने साथ गाने की प्रैक्टिस कराता है। लेकिन लायल को ठंड लग रही होती है, इसलिए वह हेक्टर के कहने पर गाना नहीं गाता। लेकिन फिर जब हेक्टर उसे गर्म कपड़े देता है तो लायल भी हेक्टर के साथ गाना गाना शुरू करता है, और इस तरह से दिनों दिन लायल बड़ा होते हुए हेक्टर से सीखे सभी तरह के गाने गाने लगता है। फिर एक दिन हेक्टर लायल के साथ एक शो करने का प्लान बनाता है, लेकिन उसके पास शो करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वह अपने घर को गिरवी रखकर पैसे इकट्ठा करता है और उसी पैसों से वह अपने शो का प्रचार भी कराता है। और फिर अगले दिन लोग उनके शो को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से आते हैं, जहां हेक्टर उनके सामने अच्छे से गाना गाता है। लेकिन लायल लोगों की भीड़ देखकर बहुत घबरा जाता है और इस वजह से वह उस भीड़ में गा नहीं पाता, और जिसके कारण सभी लोग उनका मजाक उड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर उस रात हेक्टर लायल को उसका मनपसंद सभी तरह के गाने का रिकॉर्डिंग देता है। क्योंकि अब उसके पास लायल को रखने और उसे खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, इसलिए हेक्टर मजबूरन लायल को अकेला छोड़ उससे वापस लौटने का वादा करते हुए शहर से काफी दूर चला जाता है। फिर कुछ साल बीतने के बाद उसी अपार्टमेंट पर एक फैमिली रहने के लिए आती है, जिन्हें मिस कैरन उन्हें मकान की कुछ पेपर्स देती है। हालांकि इसी बीच कैरन उन्हें मिस्टर ग्रम से भी मिलवाती है, जो उनके फ्लैट के ठीक नीचे ही रहते हैं। लेकिन ग्रम्स बहुत सख्त और खड़ूस होता है, जो अपने पालतू बिल्ली के लिए जॉर्ज नाम के छोटे से लड़के को डांटने लगता है, और साथ ही वह उन्हें मकान में शोर मचाने के लिए पहले से ही चेतावनी दे देता है। हालांकि फिर मिस कैरन उन्हें उनका मकान दिखाती है। फिर रात होती है, जॉर्ज के मोम डैड नए घर में आकर काफी खुश होते हैं, जबकि जॉर्ज भी अकेले अपने कमरे पर सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनकर जॉर्ज ऊपर के कमरे में जाता है और ऊपर जाकर वह हेक्टर द्वारा छोड़े गए खत को पढ़ता है, जहां लिखा होता है, यह मेरा क्रोकोडाइल है जो सर्कस का चमकता सितारा है और जिसका नाम लायल है। हालांकि यह पढ़ने के बाद जॉर्ज वहां से चला जाता है। फिर सुबह होती है और जॉर्ज अपना फर्स्ट डे में स्कूल जाने और नए फ्रेंड बनाने को लेकर काफी एक्साइटेड होता है। हालांकि स्कूल में उसके एक भी फ्रेंड बन नहीं पाते, और इस वजह से जॉर्ज घर पर अपने लैपटॉप से इंटरनेट पर फ्रेंड कैसे बनाते हैं यह सर्च करता है। हालांकि इसी बीच ग्रम्स की बिल्ली भी वहां आ पहुंचती है, जिसे देखकर जॉर्ज उस बिल्ली को अपने पास लाता ही है कि उन्हें फिर से एक गाने की आवाज सुनाई देती है, और आवाज सुनकर जॉर्ज ग्रम्स के बिल्ली के साथ ऊपर के कमरे में जाता है और देखता है कि वहां से लायल का स्टैचू गायब है। लेकिन फिर ग्रम्स की बिल्ली मलाइका लायल को देखकर गुस्से से गुर्राते हुए उसके तरफ छलांग लगाती है, लेकिन तभी लायल उसे पूरी तरह निगलकर वहां से भागने लगता है। हालांकि जॉर्ज भी बिना डरे लायल का पीछा करता है, लेकिन लायल जॉर्ज से डरकर भागते हुए कूड़े के ढेर में जा छिपता है। फिर जॉर्ज भी वहां पहुंचता है, लेकिन तभी उसे एक सड़क छाप चोर जॉर्ज से मोबाइल निकालने के लिए कहता है, और जिसे देखकर लायल बाहर आते हुए उस सड़क छाप चोर को डराकर जॉर्ज की मदद करता है, और साथ ही लायल जॉर्ज को ग्रम्स का बिल्ली भी वापस कर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन जॉर्ज का मोम अपने पति को यानी जॉर्ज के डैड को कचरा कूड़े में फेंकने के लिए कहती है, लेकिन उनके खड़ूस पड़ोसी मिस्टर ग्रम्स जॉर्ज के डैड को कचरा कूड़े में फेंकने से रोकता है, जिसे सुनकर वे कचरा लेकर वहां से चले जाते हैं। जबकि इधर पिछली रात के घटना के बाद जॉर्ज लायल के उठने का इंतजार कर रहा होता है
और फिर जैसे ही लायल उठता है, जॉर्ज उसे अपना फेवरेट कार देता है और फिर अपने मोम के बुलाने पर वह तुरंत वहां से तैयार होकर स्कूल चला जाता है। जबकि जॉर्ज के जाने के बाद लायल अपने कमरे से निकलकर कुछ खाने के लिए नीचे आता है, जबकि इधर जॉर्ज स्कूल के लाइब्रेरी में क्रोकोडाइल के बारे में कुछ बुक्स पढ़ रहा होता है। और तभी जॉर्ज का क्लासमेट जूडी वहां आती है, जिसे जॉर्ज बताता है कि उसके पास एक क्रोकोडाइल पेट है, और जिसे सुनकर बिना चौके ट्रूडी भी जॉर्ज से कहती है कि उसके पास भी एक स्नेक पेट है। कहकर वह वहां से जाते हुए जॉर्ज के भेजे फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, और आखिरकार इस तरह से स्कूल में जॉर्ज किसी को अपना फ्रेंड बना पाता है। लेकिन इधर जॉर्ज की मोम जॉर्ज को लेकर काफी चिंतित होती है, यह सोचकर कि जॉर्ज अब बड़ा हो गया है और अब उसे अपनी मोम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जॉर्ज के डैड कहते हैं, ऐसा नहीं है, हम एक फैमिली है और हमेशा एक साथ रहेंगे, कहकर वे जॉर्ज के मोम को समझाते हैं। जबकि इधर जॉर्ज रात होने पर लायल के साथ खेलने में बिजी होता है। फिर लायल जॉर्ज को डस्टबिन में ले जाता है, जहां बचे हुए खाने को फेंका जाता है। हालांकि जॉर्ज लायल को मना तो करता है, लेकिन लायल उसे मना लेता है और वे एक के बाद एक दूसरे डस्टबिन में जाकर ढेर सारे तरह तरह के खाना इकट्ठा करते हैं और फिर इकट्ठा की गई खाने को वे छत पे ले जाते हैं, जहां लायल डस्टबिन से लाए हुए खाने को जॉर्ज को देता है, जिसे खाकर जॉर्ज लायल को बताता है कि उसने कभी भी इस तरह का स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया, कहकर जॉर्ज लायल से बात करने लगता है। जबकि जॉर्ज के बातों को सुनकर लायल मन ही मन खुश होता है, क्योंकि लायल बात नहीं कर सकता है, लेकिन उसे गाना गाना आता था, इसलिए लायल गाना गाते हुए जॉर्ज से अपने दिल की बात शेयर करता है और इस तरह से वे पूरी रात ड्रम्स के बिल्ली मलाइका के साथ मौज मस्ती करते हैं। फिर सुबह होती है, जॉर्ज की माँ उसके कमरे पर जाती है, पर जॉर्ज वहाँ नहीं रहता है, इसलिए वह जैसे ही ऊपर जाती है तो वह जॉर्ज को लायल के साथ देखकर जोरों से डरते हुए जॉर्ज को पकड़कर नीचे ले आती है। जबकि लायल भी शॉर्टकट मारकर उनसे पहले नीचे आकर जॉर्ज के माँ से गाने गाते हुए बात करता है ताकि वह ना डरे, पर जॉर्ज की माँ गुस्से से डरी हुई जॉर्ज के डैड को इस बारे में बताने के लिए कॉल करती है, पर जॉर्ज अपनी माँ को बताता है कि लायल एक पालतू पेट है और वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, कहकर जॉर्ज अपने मोम को मनाता है, और जिसे सुनकर जॉर्ज की माँ उसके डैड से इस बारे में बात नहीं करती है। फिर जॉर्ज स्कूल चला जाता है, जबकि जॉर्ज की मोम एक झाड़ू लेकर ऊपर लायल के पास जाती है, यह देखने के लिए कि लायल क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, लायल बड़े मस्ती से नहा रहा होता है और यह देखकर जॉर्ज की मोम फिर से चिल्लाते हुए नीचे की ओर भागने लगती है, जबकि लायल फिर से उसे रोकते हुए गाने के जरिए उससे बात करने लगता है। हालांकि इस बार लायल जॉर्ज के मोम को इम्प्रेस करने में सफल होता है और इस तरह से जॉर्ज की मोम भी लायल से घुल मिल जाती है और वह भी लायल और जॉर्ज के साथ रात में डस्टबिन से खाना चुराने जाती है और उनके साथ मस्ती करने के बाद बड़े आराम से अपने बेड पर सो जाती है और इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जॉर्ज के डैड जॉर्ज के मोम से उनके खुश रहने का राज पूछ बैठते हैं, जिससे मजबूरन जॉर्ज के मोम को लायल के बारे में बताना पड़ता है। और फिर जैसे ही जॉर्ज के डैड लायल को देखते हैं कि वे भी डर के मारे घबराते हुए नीचे के बेडरूम में आ जाते हैं। हालांकि लायल जॉर्ज के डैड को मनाने की कोशिश करता है, पर जॉर्ज के डैड फिर से डर कर बाहर की ओर भागते ही है कि तभी हेक्टर भी वहां आ जाता है और उनसे कहता है, मैं काफी थक गया हूं, मुझे अपना कमरा जाना है। और यह बात सुनकर जॉर्ज के डैड के साथ जॉर्ज और उसके मोम भी हैरान होते ही है कि हेक्टर की नज़र लायल पर पड़ती है और उसे देखकर हेक्टर का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन लायल हेक्टर को देख उससे मुंह फेर लेता है, क्योंकि जब वह छोटा था तो उसे हेक्टर अकेला छोड़ गया था। हालांकि फिर हेक्टर के मनाने पर अगले ही पल लायल भी खुश होकर हेक्टर से लिपट पड़ता है। खैर, इसके बाद जॉर्ज के फैमिली को स्कूल के सोसाइटी से पता चलता है कि यह घर पहले हेक्टर का था, लेकिन हेक्टर ने इसे बेच दिया और एग्रीमेंट के मुताबिक वह साल में 15 दिन कभी भी आकर रह सकता है। हालांकि यह जानकर जॉर्ज के डैड खुश नहीं होते हैं, जबकि दूसरी ओर जॉर्ज और उसकी मोम खुश होते हैं, क्योंकि वे लायल से घुल मिल गए थे और अब तो हेक्टर भी आ गया था, जो उन्हें गर्मियों की छुट्टियों पर
लायल के साथ उन्हें ढेर सारी मस्तियां कराने लगता है और इस तरह से फिर से कुछ दिन मौज मस्ती में निकल जाते हैं। लेकिन इधर जॉर्ज के डैड अब भी खुश नहीं थे। फिर वे एक दिन गलती से ऊपर हेक्टर के कमरे में जाते हैं, जहां लायल अचानक आकर उन्हें डरा देता है। और इस बार लायल जॉर्ज के डैड को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें उसके पुराने रेसलिंग के कपड़े देता है। चूंकि जॉर्ज के डैड को रेसलिंग पसंद था, इसलिए वे अपने पुराने दिनों को याद करते हुए रेसलिंग के कॉस्ट्यूम में लायल से पंगा लेने लगते हैं। हालांकि लायल जॉर्ज के डैड से जानबूझकर हार जाता है, क्योंकि उसे जॉर्ज के डैड को इम्प्रेस करना था और लायल ऐसा करने में सफल होता है। और इस तरह से जॉर्ज के डैड भी लायल से घुल मिलकर हेक्टर और अपने फैमिली के साथ मौज मस्ती करते हुए साथ में रहने लगते हैं। फिर इसी बीच हेक्टर एक बार फिर से लायल को स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए उसे मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने देखा कि लायल जॉर्ज और उनके फैमिली के बीच अच्छे से गा रहा है। हालांकि लायल के पास हेक्टर को मना करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए वह हेक्टर के कहने पर शो करने के लिए रेडी हो जाता है। जबकि जॉर्ज को लायल की बड़ी फिक्र थी, और एक वही है जो लायल को अच्छे से समझता है कि उसे अपना टाइम गुजारने के लिए सिर्फ एक फैमिली की जरूरत है, ना कि स्टेज पर लोगों के सामने शो करना। और यही कारण था कि हेक्टर फिर से मायूस शो से वापस लौटता है, क्योंकि इस बार भी लायल लोगों की भीड़ देखकर डर से गाना गा नहीं पाया। और इस वजह से हेक्टर को जोर का झटका बड़ी जोरों से लगता है। खैर, अगली सुबह मिस्टर ग्रम्स जॉर्ज के डैड को उन्हें अपने घर स्कूल के सोसाइटी के साथ बातचीत करने के लिए बुलाते हैं। जबकि इसी दौरान जॉर्ज के डैड देखते हैं कि हेक्टर को अचानक एक कार से फेंक दिया जाता है। हालांकि वे हेक्टर को इग्नोर करते हुए स्कूल के सोसाइटी से मिलने चले जाते हैं। फिर मीटिंग खत्म होते ही जॉर्ज के डैड वापस आते हैं कि तभी अचानक एनिमल्स डिपार्टमेंट के लोग वहां आ जाते हैं। हालांकि जॉर्ज लायल को छिपा कर वह हेक्टर के पास जाता है, पर ऊपर हेक्टर अपने कमरे में नहीं होता। और फिर उसके नीचे आते ही एनिमल्स डिपार्टमेंट के लोग लायल को बेहोश करके उसे ले जाने लगते हैं। जबकि जॉर्ज और उसके मोम डैड यह सोचकर काफी चिंतित हो जाते हैं कि आखिर यह हुआ तो कैसे। और इसी सोच में जॉर्ज लायल के बिना ना तो खाना खा रहा था और ना ही अच्छे से सो रहा था। जबकि इधर लायल भी बस हेक्टर, जॉर्ज और उसके फैमिली के साथ बिताए पल को गाना गाते हुए याद कर रहा था। फिर इस तरह करके कुछ दिन और निकल जाते हैं। फिर जॉर्ज स्कूल जाता है, जहां ट्रूडी जॉर्ज को उदास देख बताती है कि उसका भी स्नेक उससे दूर चला गया था और एक दिन अचानक वह आया, कहकर ट्रूडी जॉर्ज से अपना लंच शेयर करते हुए उसे खुश करती है। फिर एक दिन अचानक हेक्टर जॉर्ज के पास आता है और बताता है कि उसने ही लायल को जानबूझकर ग्रम्स द्वारा दिए पैसों की लालच में लायल को पकड़वाया था। कहकर हेक्टर अपनी गलतियों का पछतावा करते हुए जॉर्ज से लायल को उस जू से निकालने की बात करता है। हालांकि हेक्टर के बातों को सुन जॉर्ज उसे मना करता है। फिर हेक्टर अकेले ही लायल को छुड़ाने जाता है। फिर हेक्टर जू के सिक्योरिटी गार्ड को उल्लू बनाकर जू के अंदर जाता ही है कि तभी जॉर्ज भी वहां पहुंच जाता है। हालांकि अब लायल बदल गया था और हेक्टर ने उसे धोखा दिया। यह बात लायल को अच्छे से पता था, इसलिए वहां मौजूद दूसरे मगरमच्छ हेक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। हेक्टर मदद के लिए जॉर्ज को लायल से बात करने के लिए कहता है, पर जॉर्ज भी हेक्टर की मदद नहीं करता। फिर हेक्टर लायल से अपनी गलतियों की माफी मांगने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। खूंखार मगरमच्छ हेक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी लायल हेक्टर को बचा लेता है, क्योंकि वह जानता है कि हेक्टर एक बार गलती कर सकता है, दोबारा नहीं। फिर वे जू से निकलकर भागते ही है कि तभी पुलिस भी वहां आ जाती है। हालांकि हेक्टर अपने जादू से जॉर्ज और लायल को वहां से निकलने में मदद करता है। फिर वे भागकर गलती से उसी स्टेज शो में पहुंचते हैं, जहां ट्रूडी अपने बैंड के साथ ऑडिशन देने वाली थी। फिर ट्रूडी की मदद से लायल को बचाने के लिए मजबूरन जॉर्ज लायल को स्टेज पर ले जाता है। हालांकि लायल को देखकर जज के साथ सभी लोग काफी डर जाते हैं। इनफैक्ट पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी और उनके पास सिर्फ बचने का एक ही रास्ता था, गाना। फिर अगले ही पल लायल बिना डरे सभी के सामने गाने लगता है, और जिसे सुनकर पुलिस, जज और वहां मौजूद लोग भी हैरान होते तो है, बल्कि लायल को लाइव गाना गाता देख पूरी दुनिया हैरान हो जाती है।
और इस तरह से लायर सबके दिल में अपनी जगह बना पाता है। लेकिन मूवी यहीं पर खत्म नहीं होती। मिस्टर खड़ूस ग्रम्स लायल को जबरदस्ती जू से छुड़ाने और गैरकानूनी तरीके से लायल को घर पर रखने के लिए वह जॉर्ज के डैड पर केस ठोकता है, और यही नहीं केस भी उसके पक्ष में होता है और जज खड़ूस ग्रम्स के बातों से सहमत होते हैं। हालांकि फिर हेक्टर एक नए कागजात के साथ वापस आता है और उस कागजात के मुताबिक पूरा जू हेक्टर के नानी के नाम है और उसमें यह भी लिखा था कि उस शहर में कोई भी किसी भी जानवर को अपने पेट के तौर पर पाल सकता है। और फिर यह पढ़कर जज मिस्टर खड़ूस ग्रम्स के इल्जामों को गलत मानकर हेक्टर के द्वारा दिखाए कागजात को सही मानते हैं और इस तरह से केस जीतकर हेक्टर लायल और जॉर्ज के साथ फिर से एक फैमिली की तरह रहने लगता है। फिर लायल जॉर्ज के साथ छुट्टियों पर घूमने चला जाता है, जबकि उनके जाने के बाद ट्रूडी हेक्टर को अपना पालतू स्नेक देती है जो लायल की तरह ही गा सकता है, और इस तरह से हेक्टर उस स्नेक के साथ एक स्टेज शो करने का प्लान बनाता है। और इस तरह से यह मूवी भी यहीं पर समाप्त होती है।